सर, सर। ये सर ऑडिबल है। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने एलटीआई सिस्टम स्टार्ट किया था। प्रॉपर्टीज जो है बाकी थी, हम लोगों ने रिस्पांस का फॉर्मूला देखा। कन्वोल्यूशन, एक्चुअली वी आर यूजिंग कन्वोल्यूशन टू फाइंड रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम। अभी एक सेपरेट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीआई सिस्टम। जनरली ये पूछा जाता है कभी कभी। जैसे हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, और सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ी, क्या क्या थी सिस्टम में प्रॉपर्टीज, या क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा सिस्टम्स का, तो वो क्लासिफिकेशन किन किन पैरामीटर पे था? एक लीनियरिटी, ठीक है, देन टाइम, इनवेरिएंट, वेरिएंट, फिर बचे हुए पे, क्योंकि ये ऑलरेडी एलटीआई सिस्टम है तो जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक स्टेबिलिटी, और सेकंड है कॉजलिटी, ठीक है, और कभी कभी स्टैटिक डायनेमिक आपसे पूछा जाता है एलटीआई सिस्टम के लिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एक एलटीआई सिस्टम वाई ऑफ टी या एच ऑफ टी, ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जनरली एच ऑफ टी हम रिप्रेजेंट करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। तो एच ऑफ टी के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि वेदर दिस सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, कॉजल और नॉट, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। स्टेबिलिटी के लिए बस आप किसी भी एलटीआई सिस्टम में ये फाइंड करना है कि जो सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव एच ऑफ टी, ठीक है, या आपको किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, बट इम्पल्स रिस्पॉन्स या एलटीआई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा अगर। अब ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज मत होना, एलटीआई सिस्टम और जो आपने बाकी पढ़े हुए वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वी वो स्टेबल हम यहाँ भी चेक करते हैं। हम कैसे चेक करते हैं वो देखो, आपके पास एच टी की वैल्यू होगी, आपको क्या करना है, वी वो स्टेबिलिटी यानी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी चेक करने के लिए एल टी आई सिस्टम में यू हैव टू इंटीग्रेट मोड ऑफ एच टी ओवर माइनस इंफिनाइट टू प्लस इंफिनाइट। मतलब आपको जो भी सिस्टम गिवन है उसके मैग्नीट्यूड को इनफिनाइट टाइम्स सम करना होगा, क्लियर है। दिस इज इनफिनाइट सम ऑफ एलटीआई सिस्टम रिस्पांस, जो भी आपको एलटीआई सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन या रिस्पांस दिया हुआ है एच टी, उसको आपको सम करना है विद इन लिमिट माइनस इनफिनाइट टू इनफिनाइट, मतलब इंटीग्रेट करना है। अगर ये सम लेस देन इनफिनाइट है देन सिस्टम इज स्टेबल, क्लियर है। बताओ, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एच टी, एक क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, एच टी इक्वल टू यू ऑफ टी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फॉर दिस सिस्टम आपको चेक करना है कि ये बीबो स्टेबल या अनस्टेबल है। तो बताओ ये एल टी आई सिस्टम एच ऑफ टी इक्वल टू यू टी स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है, चेक करने का तरीका ये है। चेक करो जरा जल्दी से बताओ, सर अनस्टेबल है। गुड, अनस्टेबल सिस्टम होगा, क्यों? अगर आप माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक मॉड ऑफ यू टी करेंगे तो पहले लिमिट चेंज हो जाएगी जीरो से इनफिनाइट, क्योंकि यू टी जीरो के पहले जीरो है, और इसके बाद जीरो से इनफिनाइट पर ये वन है, हर जगह वन ऑफ डी टी यू विल गेट इनफिनाइट, तो ये अनस्टेबल, क्लियर। सेकेंड, तो आपको बेसिकली हर बार क्या करना है, मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करना है इस लिमिट के अंडर। सेकेंड कॉजेलिटी, किसी भी एलटीआई सिस्टम को कॉजल कब बोलेंगे हम? अब मुझे ये बताओ, कॉजल सिस्टम की कंडीशन क्या थी? कॉजल सिस्टम किन सिस्टम्स को बोलते हैं? सर जिसकी रिस्पांस प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करे, गुड, और पास्ट पे, हाँ, प्रेजेंट या पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट में प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन सभी को पता है, प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन
प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वी विल से सिस्टम आपका कॉजल है, अदरवाइज हम कहेंगे नॉन कॉजल है। तो ये बताओ एलटीआई सिस्टम में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, एलटीआई सिस्टम में क्योंकि हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स पढ़ा है, एच ओ टी इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो आपको क्वेश्चन में जनरली एच ओ टी मेंशन होता है, एच ओ टी, ठीक है, दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब मुझे बताओ इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब इनपुट क्या है, इनपुट क्या है सिस्टम का, दिस इज रिस्पॉन्स, तो इस सिस्टम के लिए इनपुट क्या है, इम्पल्स, इम्पल्स डेल्टा टी या डेल ऑफ एन। अब डेल्टा टी एग्जिस्ट कहाँ करता है, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो है, क्लियर है सभी को। तो कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन है कि प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है, जो प्रेजेंट आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए। तो हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स जब कैलकुलेट किया एच ऑफ टी, तो एच ऑफ टी के लिए इनपुट क्या है, डेल्टा टी, और डेल्टा टी किस इंस्टेंट पर दिया गया है, ठीक है, तो इनपुट टी इक्वल टू जीरो पे है। तो मुझे ये बताओ एच ऑफ टी आउटपुट है, क्लियर है, एच ऑफ टी इज आउटपुट रिस्पॉन्स, और t इक्वल टू जीरो पे जो इनपुट है दैट इज इम्पल्स, इनपुट दिया गया है t इक्वल टू जीरो पे, तो एच टी की वैल्यू क्या होगी t लेस देन जीरो पे, जीरो, जीरो होगी, क्लियर है सभी को ये, यस सर, ठीक है। तो अगर आउट जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो जीरो है t लेस देन जीरो पे, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम है कॉजल, कॉजल, अदरवाइज नॉन कॉजल, ठीक है। तो जो हमने लास्ट सिस्टम लिया हुआ है एच ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी, ये कॉजल है कि नॉन कॉजल, कॉजल, कॉजल सिस्टम है, क्लियर है। थर्ड स्टैटिक, स्टैटिक में सेम, स्टैटिकली सेम, प्रेजेंट जो भी, हाँ हाँ, बट एक डाउट है, ये इम्पल्स तो केवल t इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइन है, तो हमारा आउटपुट भी t इक्वल टू जीरो बस पे प्रेजेंट होगा, नहीं नहीं, कॉजल, यही डिफरेंस है कॉजलिटी और स्टैटिक में, अभी जस्ट इसको देखो तो क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक सिस्टम वो होते हैं जिनमें आउटपुट सिर्फ उसी इंस्टेंट पे हो सकता है जिस इंस्टेंट पे इनपुट है, क्लियर है, आउटपुट और इनपुट की डिपेंडेंसी सेम इंस्टेंट पे होगी। इसका मतलब एच टी जो है वो जीरो होगा फॉर टी नॉट इक्वल टू जीरो के लिए होगा, क्यों, स्टैटिक सिस्टम में आपने यहाँ पे तो इनपुट दिया नहीं, यहाँ भी इनपुट दिया नहीं, मतलब टी लेस देन जीरो पे कोई इनपुट नहीं, टी ग्रेटर देन जीरो पे कोई इनपुट नहीं, प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट, ये रिलेशनशिप स्टैटिक के लिए होता है, पॉजिटिव के लिए क्या होता है, प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करना चाहिए। तो आपको अगर एच टी जब हमने इनपुट अप्लाई नहीं किया टी लेस देन जीरो पे तो आउटपुट जीरो मिल रहा है, बट टी ग्रेटर देन जीरो पे क्यों यहाँ पे आउटपुट मिल रहा, समझो जरा ये जो कंफ्यूजन है, एच टी इक्वल टू यू टी ये कॉजल सिस्टम इसीलिए है क्योंकि जो आपका इनपुट है वो आपने टी इक्वल टू जीरो पे अप्लाई किया है। अब अगर मैं टी ग्रेटर देन जीरो पे आउटपुट कैलकुलेट करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप यहाँ एच ऑफ वन निकालेंगे तो वन मिलेगा, एच ऑफ टू निकालेंगे तो भी वन मिलेगा, तो आपने इनपुट कहाँ अप्लाई किया है, डेल्टा t इक्वल टू जीरो पे, आउटपुट कहाँ कैलकुलेट कर रहा है, वन पे, टू पे, तो प्रेजेंट आउटपुट वन हो गया t इक्वल टू वन पे, प्रेजेंट आउटपुट t इक्वल टू टू पे, और इनपुट कहाँ पे है, पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है ना ये आउटपुट, डेल्टा t जो है आपका वो पास्ट इनपुट हो जाएगा इन आउटपुट के लिए। यस सर, मतलब h इन h अगर हम इनफाइनाइट भी निकाले तो भी वो डेल्टा, हाँ, तो भी वो आपका h इनफाइनाइट भी वन आएगा, तो इस ये प्रेजेंट आउटपुट है इसके लिए पास्ट इनपुट होगा डेल्टा टी, इसलिए कॉजलिटी जो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई सेम डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ। बट स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में आपका जो भी आउटपुट है वो उसी इंस्टेंट के इनपुट पे, क्योंकि आपने एच ऑफ वन निकाला अगर और इसकी वैल्यू वन आ रही है, इसका मतलब डेल्टा वन होना चाहिए, मतलब डेल्टा टी माइनस वन वहाँ पे इनपुट होना चाहिए, बट डेल्टा टी माइनस वन क्योंकि इनपुट आपने
डेल्टा टी इक्वल टू जीरो पे अप्लाई किया है और आउटपुट आप वन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप होल्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टैटिक के लिए हमने डेफिनेशन जो हमने स्टैटिक सिस्टम की पढ़ी हुई है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इनपुट और आउटपुट सेम टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे एच टी, क्योंकि हमने एच टी के लिए इनपुट क्या दिया, डेल्टा टी, और डेल्टा टी कहाँ डिफाइन है, टी इक्वल टू जीरो पे, मतलब इनपुट अवेलेबल है सिर्फ टी इक्वल टू जीरो पे, तो आउटपुट भी किस इंस्टेंट पे अवेलेबल होना चाहिए, सिर्फ टी इक्वल टू जीरो पे। तो एच टी की वैल्यू टी नॉट इक्वल टू जीरो पे हर जगह जीरो होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे स्टैटिक है। ये समझ आ रहा है सबको कि एच टी जीरो होना चाहिए, कब, जब टी जीरो नहीं है। टी जीरो है मतलब उस समय इनपुट अप्लाई किया है आपने डेल्टा टी, तो आउटपुट मिल सकता है, उस समय आउटपुट मिल सकता है, कब, जब टी इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एच जीरो की वैल्यू नॉन जीरो हो सकती है, जीरो फाइनाइट हो सकता है, बट एच जीरो के अलावा बाकी हर जगह आउटपुट आपका जीरो होना चाहिए। ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर है बताओ? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार तुम लोग देख लेना, वैसे इतना ज्यादा इनको इसमें कुछ वो नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। स्टैटिक सिस्टम फिर से एक बार डेफिनेशन चेक करना, सेम डेफिनेशन मैंने यहाँ अप्लाई किया है। हम आगे आते हैं जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, एलटीआई सिस्टम का रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स सर, हाँ आप कल बता रहे थे कि वो प्रैक्टिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स कहाँ अप्लाई होता है, और फिर वो नेटवर्क इशू हो गया था। प्रैक्टिकली समय, हाँ प्रैक्टिकली देखो, इम्पल्स रिस्पॉन्स का काम क्या है बेटा, इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब कि आपने सिस्टम का इनहेरेंट नेचर कैलकुलेट कर लिया है। अब किसी भी जनरल इनपुट के लिए, अगर आपको सिस्टम के बारे में कोई डिटेल नहीं पता है, आप किसी भी सिस्टम का नेचर कैसे प्रिडिक्ट करोगे, आप उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी कैलकुलेट कर लोगे। फिर आपके पास, क्योंकि सिस्टम आपका फिक्स है, सिस्टम का नेचर जो है ड्यूरिंग जब आपने इनपुट अप्लाई किया वो चेंज नहीं होगा, एक बार सिस्टम जो भी बनाया वो फिक्स सिस्टम है, आप क्या चेंज कर सकते हो हर बार इनपुट एक्स ऑफ टी, ये चेंज कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इनहेरेंट नेचर जो है सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और हर बार एक नए इनपुट के लिए हम आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स। वो करते हैं कॉन्वोल्यूशन से, दो तरीके हैं, हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तुम लोगों ने लाप्लास पढ़ा हुआ है? यस सर। ठीक है, लाप्लास में तुम लोगों ने सिर्फ किसी भी जनरल मैथमेटिकल जो भी आपके पास इक्वेशन है उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हैं। दो टूल होते हैं, लाप्लास होता है फ्रीक्वेंसी एस, एस इक्वल टू होता है जे ओमेगा, है ना, एस इक्वल टू जे ओमेगा, जहाँ ओमेगा फ्रिक्वेंसी है। तो एस डोमेन मतलब फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो किसी भी एल टी आई सिस्टम का रिस्पॉन्स अगर कैलकुलेट करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं हम। रिस्पॉन्स का मतलब आउटपुट, आपको एक गिवन सिस्टम होगा, उस सिस्टम का आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए टाइम डोमेन एनालिसिस और फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो जब हम टाइम डोमेन एनालिसिस की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं कॉन्वोल्यूशन, और जब हम फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम में होता है लैपलास और डिस्क्रीट टाइम में होता है जेड ट्रांसफॉर्म। तो आपने जो लैपलास पढ़ा हुआ है जेड ट्रांसफॉर्म, ये किसी भी सिस्टम के आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए यूज किए गए टूल्स हैं। ऐसे ही कॉन्वोल्यूशन और भी इनके यूजेस हैं, ठीक है, बट यहाँ सिग्नल सिस्टम में भी जब इनपुट में हम इम्पल्स रिस्पॉन्स इनपुट में इम्पल्स देंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा स्मॉल टाइम के लिए, है ना। हाँ, तो वो इन हाउ मतलब उतने इंस्टेंट के लिए दे रहा, क्योंकि देखो डेल्टा टी का नेचर क्या है, एरिया अंडर डेल्टा टी यूनिटी, ठीक है, और डिस्क्रीट में एम्पलीट्यूड यूनिटी। तो इन सिस्टम्स को जब आप अप्लाई करते हो, इस सिग्नल को जब आप अप्लाई करते हो आपके एलटीआई सिस्टम में, तो सिस्टम का नेचर चेंज नहीं होता, सिस्टम का इनहेरेंट रिस्पॉन्स किसी जनरल इनपुट के लिए हम निकाल सकते हैं। मतलब डेल्टा टी देने से कुछ आपने एडिशनली उसमें चेंजेस नहीं किए हैं, वो अभी भी रॉ फॉर्म में जो भी सिस्टम है आप उसका इनहेरेंट नेचर आपने निकाल लिया है एच टी के फॉर्म में, एक मैथमेटिकल जो आपके पास फंक्शन आ गया है, नाउ यूजिंग डेट फंक्शन और
विद इनपुट एक्स टी आप किसी भी एक्स टी के लिए वाई टी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। अब एक बार जो है स्टार्ट करते हैं, हम सिस्टम का रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है, मतलब वी वॉन्ट टू कैलकुलेट आउटपुट। एल टी आई सिस्टम आपके पास होगा, ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ रिस्पॉन्स ऑफ एन एल टी आई सिस्टम, ठीक है, किसी भी एल टी आई सिस्टम का रिस्पॉन्स मतलब वाई ऑफ टी। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, ये क्या है एक्स टी कन्वोल्यूशन विथ एक्स टी। अब ध्यान से समझना, यहाँ कन्वोल्यूशन जो है दो तरीके से कन्वोल्यूशन जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है ग्राफिकल और एक होता है मैथमेटिकल। दोनों हम करेंगे, ग्राफिकल से मैं स्टार्ट करूंगा। ग्राफिकल कन्वोल्यूशन मतलब आपको एक्स टी और एच टी दोनों ग्राफ के फॉर्म में दिए होंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वाई टी माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कन्वोल्यूशन जो है ग्राफिकल थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर मिस करोगे तो फिर बाद में बुक से समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखना, तो जहाँ कन्फ्यूजन हो वहीं पर पूछना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच भी होगी वहाँ पे भी सेम हम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे बट ग्राफ्स के फॉर्म करेंगे। देखते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन आपको गिवन है, x of t versus t। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, सभी लोगों को ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। अच्छा थोड़ा सा बेटा, एक बार क्या कहते हैं नेटवर्क वो ये थोड़ा सा कांस्टेंट होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी है ना, अगर लगातार दिक्कत होती मेरे को बताओ तो चेंज करता हूँ नेटवर्क। यस सर। ओके, एम्पलीट्यूड 3 है, सेकेंड सिग्नल इज एच ऑफ टी वर्सेस टी, ये भी एक फाइनाइट टाइम स्टेप या हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है, माइनस वन से लेके 6 तक विथ एम्पलीट्यूड 5। दो सिग्नल दिए हुए हैं, सिग्नल का मतलब एक इनपुट सिग्नल है और एक इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, फाइंड द आउटपुट of an LTI system with transfer function या waveform HT shown below for an input XT, ठीक है, और XT ये है, तो graphical में दोनों graphs के form में होंगे, mathematical होगा तो आपसे function लिखा होगा, वैसे आप चाहो तो उसको convert भी कर सकते हो mathematical में, पर दोनों में difference क्या होता है वो भी देखना, graphical जो है approach ज़्यादा अच्छी क्यों है, ठीक है। तो यहाँ जो है formula आप लोगों को पता है y of t equal to माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप मुझे बताओ क्या हो सकता है, सबसे पहला स्टेप अभी जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में जो भी किया है सर एच ऑफ टी को शिफ्ट करेंगे, नहीं सबसे पहले शिफ्ट कर देंगे क्या, सबसे पहला काम क्या होगा, दिस इज एक्स टी दिस इज एच टी रिवर्स, एक्स टी और एच टी की बने, मुझे ये बताओ एक्स टी और एच टी का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सर चेंज ऑफ एक्सिस, चेंज ऑफ एक्सिस टाउ में करना, चेंज ऑफ एक्सिस फ्रॉम टी टू टाउ, तो सबसे पहले एक्सिस चेंज करोगे तो कर दो, यहाँ पे एक्स टाउ हो गया, ये भी टाउ, तो नेचर तो चेंज होना नहीं, एक्सिस चेंज मतलब टाइम वेरिएबल चेंज किया आपने, ऐसा कुछ ज़्यादा चेंज होगा नहीं। सेकेंड इज एच टाउ माइनस वन टू सिक्स एच टाउ और यहाँ पे भी लिखा टाउ, क्लियर है। अब सबसे पहला काम हमने, अब ध्यान से स्टेप समझना, ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है, पहला स्टेप चेंज ऑफ एक्सिस, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ नंबर्स, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे करना, लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, आपको रेंज लिखनी है, ठीक है,
ठीक है, शॉर्टकट मतलब जो है ज्यादा डिटेल्ड तरीका बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट नहीं है ये, बट प्रैक्टिस के बाद आप बिना लिखे कर सकते हो। करना क्या है, रेंज क्या है समझो, दोनों सिग्नल की रेंज एक्स टाउ और एस टाउ दोनों की रेंज होगी, इस सिग्नल की रेंज क्या है, 0 to 4, तो 0, 4, ठीक है। जितने भी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट होंगे वो सारे आपको लिखने होंगे, यहाँ पे 0 और 4 बस है, यहाँ पे इसकी रेंज क्या है दूसरे सिग्नल की, -1, 6, 2, 6, ठीक है। तो आपको हमेशा पहला स्टेप चेंज करना है एक्सिस को टी से टाउ, और दूसरे स्टेप में अभी कोई रिवर्सल शिफ्टिंग नहीं करना है, ओरिजिनल सिग्नल का रेंज लिखोगे आप, अगर आपने शिफ्ट करके रेंज लिखा तो गड़बड़ कर दोगे, है ना। तो अभी शिफ्ट और रिवर्सल नहीं करना है, ओरिजिनल सिग्नल का रेंज। अब जितने भी आपके पास पॉइंट होंगे 1 to 1, एक सिग्नल के रेंज को दूसरे सिग्नल के रेंज से ऐड करना है, मतलब 0 को इन दोनों से, 4 को भी इन दोनों से। अगर 3 पॉइंट होते तो हम 1 to 1 सारे पॉइंट्स को ऐड करते। तो मुझे बताओ ऐड करने में रेंज क्या क्या मिल रही है, पहला 0 - 1, दूसरा 0 + 6, फिर 4 - 1 और 4 + 6, तो पॉइंट्स क्या आ गए आपके पास, -1, फिर 6, फिर 3 और अब इनको आप असेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पे अरेंज करो। तो सबसे पहले पॉइंट क्या होगा टाइमलाइन में, -1, फिर 3, फिर 6, फिर 10। क्लियर है यहाँ तक सभी को, स्टेप बाय स्टेप में बोल रहा हूँ, बताओ जरा सभी को क्लियर है यहाँ तक, यस सर, ठीक है। अब एक्चुअली आपने जैसे ही ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, इसका मतलब क्या है कि टाइम इंस्टेंट्स हैं, टाइम के इंस्टेंट हैं जहाँ पे आपको फंक्शन कैलकुलेट करना है, जहाँ आपको वाई टी कैलकुलेट करना है, मतलब वाई टी इतने पॉइंट पे चेंज होगा, कैसे कैसे चेंज होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट टाइम का -1, मतलब टी लेस देन -1, ठीक है, -1 से पीछे, -∞ से -1 तक, तो इसको मैंने लिख दिया टी लेस देन -1। दूसरा इंस्टेंट क्या बनेगा टी का, -1 से 3 के बीच में, 3 के बीच में, फिर अगला 3 to 6, फिर 6 to 10, अगला 10, 10 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर, ये सभी को क्लियर है ना। इसको इक्वल यहां नहीं लगा, इन सारे पॉइंट्स पे आपको फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन होगा, मतलब यहाँ आउटपुट कैलकुलेट होंगे वाई टी, ठीक है, वाई ऑफ टी इक्वल टू, ठीक है, इतने रीजन में आपको वाई टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है सभी को, अब कैलकुलेट कैसे करना है आपको देखो, पहला स्टेप एक्सिस चेंज, दूसरा स्टेप रेंज फाइंड करना है जहां पे फंक्शन कैलकुलेट करेंगे या आउटपुट, आउटपुट फंक्शन को आउटपुट समझना है ना, फंक्शन में बार बार यूज करने का वर्ड, दैट इज आउटपुट वाई टी। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम, किसी एक सिग्नल को फिक्स और दूसरे को, दूसरे में टाइम रिवर्सल एंड शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे। तो जनरली हम हमेशा अगर सिग्नल कुछ अलग टाइप का नहीं है तो एच टी को ही, जैसा हमारा फॉर्मूला है एक्स टाउ, तो वी विल कीप एक्स टी फिक्स, यानी एक्स टाउ को फिक्स, और एच टाउ से एच ऑफ माइनस टाउ और एच ऑफ माइनस टाउ से एच ऑफ टी माइनस टाउ। क्लियर है, ऐसे सेव करेंगे। तो यहां पे एच टाउ का प्लॉट फिर से मैं यहां पे बना रहा हूं ना, एच टाउ का प्लॉट, एच ऑफ टाउ वर्सेस टाउ, ये कहां से कहां तक है, 5 एम्पलीट्यूड -1 to 6, सिग्नल जो है आप लोग बनाते जाना साथ साथ, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, ये एच टाउ। अब मुझे बताओ एच ऑफ माइनस टाउ कैसे प्लॉट होगा, एच ऑफ माइनस टाउ सर -6 से 1, एच ऑफ माइनस टाउ, माइनस थोड़ा सिमेट्रिक बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, -6 से 1, अभी तो इक्वल डिवीजन जैसे दिख रहा है, आपको प्रॉपर बनाना है, -1 में कम होगा, 6 वाली साइड ज्यादा होगा,
ठीक है। अब यहां से h ऑफ माइनस टू जैसे ही बना लिया, अब इसको मैं माइनस टाउ प्लस टी, मतलब मैंने सिग्नल को क्या कर दिया है, टाइम शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कर दी, एडवांस शिफ्टिंग तो की है, शिफ्टिंग में क्या किया, एडवांस किया सिग्नल को, पीछे लेके जा रहे हैं ना, तो लेके जाओ, ठीक है। अब हमको ये टी का अमाउंट पता नहीं है, ध्यान रखना, तो आप कहीं भी बना सकते हो, आप थोड़ा लेफ्ट में भी लेके चले जाओ या यहीं पे भी, जैसा सिग्नल है उसी पॉइंट पे ही आप पॉइंट्स का नाम ऐसे लिख सकते हो, एच ऑफ टी माइनस टाउ, ये है टाउ, तो मुझे बताओ ये नए वाले पॉइंट्स क्या होंगे, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वन वाला पॉइंट, एच ऑफ माइनस टाउ, ये माइनस टी, देखो यहां से बनाना है, ये है एच ऑफ माइनस टाउ, यहां से एच ऑफ टी माइनस टाउ बनाना है, तो पॉइंट्स क्या होंगे सर, माइनस टाउ माइनस सिक्स माइनस टाउ प्लस वन, ये होगा। अब मुझे बताओ एडवांस करते हैं तो लेफ्ट जाता है या राइट, लेफ्ट, और लेफ्ट जाएगा तो माइनस वन माइनस क्या करोगे, एडवांस सही लिखा हुआ है, एडवांस सही लिखा है, देखो जरा, एच ऑफ माइनस टाउ और एच ऑफ माइनस टाउ प्लस टी, तो टाउ इक्वल टू कितना हो गया, टाउ इक्वल टू टी टी टी। अब यहीं पे एक जो है अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझ लो, एच ऑफ माइनस टी प्लस टू, तो अगर एच ऑफ माइनस टी का प्लॉट ये बना हुआ है तो एच ऑफ माइनस टी प्लस टू दो यूनिट राइट शिफ्ट होगा तो या दो यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, कहाँ होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, टी इक्वल टू ये पॉइंट कितना होगा, यहाँ यहाँ से बताओ निकाल के, टू सर, टू, तो दो यूनिट हम आगे लेके जाएंगे या दो यूनिट पीछे, कंसेप्ट जो तुमने पढ़े वहां से बताओ, अभी ये कंफ्यूजन छोड़ के बताओ कि एच ऑफ माइनस टी प्लस टू से टी इक्वल टू टू आ रहा है तो टी इक्वल टू टू में कहां पे जाओगे, टू कहां पे होगा, टू यहां पे है राइट में होगा, ये गलत लिखा हुआ है, एडवांस नहीं होगा ये डिले होगा, डिले होगा ना, यस सर, ठीक है, माइनस टाउ प्लस टू किया हुआ है इसलिए लेफ्ट नहीं जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट क्या होंगे, वन और माइनस सिक्स वाले, एम्पलीट्यूड इसका फाइव, यहाँ भी फाइव, वन वाला पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, अभी अगर हमने माइनस वन प्लस टाउ प्लस वन प्लस टी, तो टी प्लस वन लिख दिया उसको, और ये वाला माइनस टी प्लस सिक्स, तो टी माइनस सिक्स लिख दिया, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ये, ये डाउट है बताओ, यहाँ पे डाउट है तो यही क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज फिर जो है आगे दिक्कत होगी, ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी तुम्हारा एच माइनस टाउ है वो हमेशा टी टी अमाउंट से, एच टी माइनस टाउ जैसे ही किया तो टी से राइट शिफ्ट होगा, तो टी हर पॉइंट पे ऐड करोगे आप, वन पे टी ऐड करो और यहाँ पे भी टी ऐड करो, ऐड होगा टी, क्लियर है, टी ऐड होगा, ये सभी को क्लियर है, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, यस सर। अब आपने जो रीजन निकाले हुए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं दोनों सिग्नल प्लॉट कर देता हूँ यहाँ, एक्स टी, तो एक्स टाउ है आपका 3 एम्पलीट्यूड 0 से लेकर 4 तक, और एच ऑफ टी माइनस टाउ, एच ऑफ टी माइनस टाउ ये है आपका टी माइनस सिक्स है ना, टी माइनस सिक्स से टी प्लस वन तक एम्पलीट्यूड 5, ध्यान से समझो, और हमने रेंज क्या निकाली हुई है, रेंज यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहला पॉइंट माइनस वन, फिर थ्री, फिर सिक्स, फिर टेन, ठीक है, आप क्या करते हो, ठीक है, आप कर क्या रहे हो, एक्चुअली आप एक सिग्नल को फिक्स रख रहे हैं, एक्स टाउ को आपने फिक्स किया हुआ है,
और आप एच टी माइनस टाउ को इसको शिफ्ट करके धीरे धीरे एक्स टाउ के ऊपर स्लाइड करने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया था कि वी आर फ्लिपिंग द सिग्नल एंड देन डिलेइंग द सिग्नल, मतलब कि एक सिग्नल के ऊपर लेके, इसलिए टी राइट शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि दूसरे सिग्नल के ऊपर लेके जाना है। तो आप क्या करते हो, जब आप एच टी माइनस टाउ करते हैं तो आप उसको टोटल लेफ्ट में लेके और फिर धीरे धीरे स्लाइड करते हैं टूवर्ड सिग्नल। तो मैंने ये पॉइंट जो निकाले हुए हैं, ये -1, 3, 6 और 10, ठीक है, इससे मुझे पता लगेगा सिग्नल को कहाँ पे रोल करना है, सिग्नल रोल किस टाइम किस पॉइंट पे होगा। तो अब ध्यान से समझो जरा, ये जो पॉइंट है आपका ये और ये, जैसे ही आपने, क्योंकि ये रोल होने वाला है एच टी माइनस टाउ, इसको हम स्लाइड करेंगे, तो स्लाइड कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये निकालने के लिए इन पॉइंट्स का मैं यूज करूंगा। ये डिस्कंटिन्यूटी वाले जो पॉइंट है हमारे पास, जहां हम फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं या आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, इनका यूज करूंगा। यहाँ पे टी की वैल्यू आपको क्या रखना है, पहले सबसे पहले आपको इतने रीजन पे करना है टी लेस देन माइनस वन। तो जब टी लेस देन माइनस वन है तो ये वाला पॉइंट कहां पे होगा, ये वाला पॉइंट किधर होगा, -8। टी लेस देन माइनस वन है तो -8 पे क्यों होगा, टी लेस देन माइनस वन है तो -6 to -7 के बीच में होगा। हाँ देखो, ये वाला पॉइंट होगा -7 पे एट टी इक्वल टू माइनस वन। टी लेस देन माइनस वन है तो एट टी इक्वल टू माइनस वन ये पॉइंट कहाँ पे होगा, -7 पे। तो टी की वैल्यू माइनस वन रख दो, यहाँ पे रखोगे तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, जीरो होगा। ये सभी को क्लियर है, देखो मैंने जितने फंक्शन निकाले फिर से यहाँ मैं बार बार लिखूंगा, है ना, -1 पहला पॉइंट है, टी लेस देन -1। हाँ मैं बेटा बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, है ना, -1 से 3 से 6 और 6 से 10 और टी ग्रेटर देन 10। सबसे पहले मैंने ये वाला रीजन लिया है, तो आपको लेस देन पता करने के लिए पहले वो पॉइंट को रखना होगा। एट दैट पॉइंट मैंने चेक किया, दिस इज एट -7, दिस इज एट 0, मतलब ये पॉइंट हमेशा 0 से लेफ्ट होगा और ये हमेशा -7 के लेफ्ट होगा, ये 0 पे नहीं होगा और ये -7 पे नहीं होगा, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, क्लियर है, yes, सभी को क्लियर है कि नहीं, ये वाला पॉइंट चैट बॉक्स में जरा सभी लोग टाइप करके बताओ कि यहाँ तक जो है सबको क्लियर है, इसके आगे अब जो है सीधे सॉल्यूशन आने वाला है, तो यहाँ तक जिनका जो है डाउट है वो टाइप करो, डाउट है और क्लियर है तो क्लियर ही टाइप करो। सभी लोगों को करना है ना, सही है, टी लेस देन माइनस वन वाला फिट से ग्राफ बनाऊंगा तो अभी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, हम क्या करने वाले हैं, वी आर कीपिंग एक्स टाउ फिक्स, ये एक्स टाउ फिक्स कर दिया एंड वी आर स्लाइडिंग दिस सिग्नल। अब स्लाइड कर रहा हूं, मुझे इनके पॉइंट्स, मूवमेंट के पॉइंट पता होने चाहिए, ये कहां से कहां मूव कर रहा है, तो ये 0 से लेफ्ट साइड, 0 के पहले सारे पॉइंट पे मूव कर सकता है और ये -7 के, मतलब -infinite से -7 तक ये मूव कर सकता है और ये -infinite से 0 तक। तो अब मैं दूसरा सिग्नल इसके ऊपर प्लॉट करूंगा, तो मुझे पॉइंट ऑफ मूवमेंट पता है कि ये 0 के लेफ्ट साइड में होगा, तो ये कहाँ प्लॉट होगा, यहाँ कहीं मान लिया, और दूसरा वाला पॉइंट यहाँ कहीं, ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका 5, ये पॉइंट है टी प्लस 1 और इस पॉइंट का नाम है टी माइनस 6, क्यों, क्योंकि टी अभी जनरलाइज, मतलब टी को आपने स्पेसिफिक नहीं किया है, टी इज लेस देन माइनस 1, तो टी कैन बी एनी वैल्यू, तो आपने उसको टी के फॉर्म में ही रखा है, बट आपको अब ये पता है कि टी प्लस वन वाला पॉइंट किधर होगा, 0 के लेफ्ट साइड में, क्योंकि 0 पे नहीं आ सकता, 0 के क्लोज हो सकता बट 0 पे नहीं होगा, क्लियर है। ऐसे ही टी माइनस 6 कहां तक हो सकता है, टी माइनस 6 वाला पॉइंट -7 से कहीं आगे होगा, मतलब टूवर्ड्स -8, तो इस टाइप कंडीशन आपके पास होगी। बताओ जरा,
अब मुझे ये बताओ, ये मैंने ग्राफ बना दिया x tau एंड दिस इज h t माइनस tau. अब मेरा इंटीग्रल क्या बोलता है, y t की वैल्यू होती है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट x tau और h t माइनस tau और d tau. तो बताओ मुझे इस केस में y t की वैल्यू कितनी होगी? जीरो. जीरो. बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा जीरो होगी, जिनको नहीं समझ में आया वो समझो क्यों होगी जीरो. जब हम दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंटरवल में टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब है दोनों का कॉमन रीजन. मल्टीप्लाई करने का मतलब है दोनों कॉमन रीजन कितनी देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग या कोई भी कॉमन रीजन है क्या? कोई भी कॉमन रीजन है क्या? नो सर. नहीं है. इसलिए एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ दोनों किसी भी रीजन में ओवरलैप या कॉमन नहीं है, तो आंसर मल्टीप्लीकेशन का जीरो होगा. जिस टाइम पे ये प्रेजेंट होगा वहां पे ये जीरो, मतलब लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जब ये प्रेजेंट है तो पहला वाला जीरो, और बाकी इंस्टेंट पे दोनों प्रेजेंट नहीं है. तो इसलिए हमेशा हर एक पॉइंट पे माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट के बीच हर एक पॉइंट पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस केस के लिए, पहले वाले केस के लिए जीरो होगा. वाई टी जीरो है तो यहाँ पे पहले वाले के लिए फंक्शन जीरो, पहले वाले केस के लिए. अब मैं आता हूँ सेकेंड केस में. ठीक है, सेकेंड केस क्या है? टी कहां से कहां स्विंग हो रहा है? जीरो से थ्री, यही था ना? गलत है. माइनस वन. ठीक है, माइनस वन से थ्री. फिर से मैं प्लॉट करता हूं सिग्नल, पहले एक्स टाउ, x tau is between 0 to कहां तक है? 4, और amplitude 3. अब हम प्लॉट करेंगे सेकेंड सिग्नल, तो दूसरे कलर का यूज कर रहा हूं मैं, x दूसरा वाला कलर जो है. तो उसके लिए अब फिर से पॉइंट पता करना होगा, इस केस के लिए पॉइंट. तो मुझे जो एच टी माइनस टाउ है उसका प्लॉट पता है. अब देखो जरा ध्यान से, म्यूट कर लो, किस पर म्यूट है, बेटा जब भी ज्वाइन करते हो ना तो होश में रह के ज्वाइन किया करो. ठीक है, मेरी क्लास में अगर ऐसा डिस्टर्बेंस करोगे, फालतू में ज्वाइन होकर बैठे रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में. प्रशांत कुमार श्रीवास्तव जो भी हो उसे बोलना, बात कर ले एक बार, या तो ज्वाइन मत करो ज्यादा अच्छा है. भीड़ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कम लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट अटेंटिव रहना. देखो जरा एच टी माइनस टाउ, ये पॉइंट्स क्या क्या है? दिस इज टी प्लस वन, दिस इज टी माइनस सिक्स. अब मुझे बताओ माइनस वन से थ्री, मतलब एक टी की वैल्यू एक्सट्रीम क्या हो सकती है? माइनस वन, और एक एक्सट्रीम वैल्यू थ्री हो सकती है. तो जब एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे रखने हैं, एक बार माइनस वन रखो तो ये पॉइंट क्या निकलेगा यहाँ पे माइनस वन रखने पे, यहाँ से माइनस सेवन, और थ्री रखने पे माइनस थ्री. ऐसे ही यहाँ पे रखो और बताओ पॉइंट्स क्या क्या होंगे. जीरो, फोर. इसका मतलब टी की वैल्यू माइनस वन से थ्री तक हो सकती है. तो ये वाला पॉइंट जो मूव करेगा ये माइनस सेवन से माइनस थ्री के बीच ही मूव कर सकता है, और ये वाला पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है? जीरो से फोर के बीच. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अब दूसरा वाला जो ग्राफ है वो आसानी से बना सकता हूँ. कैसे? ये 5 एम्पलीट्यूड है तो ऊपर बन गया, और एक पॉइंट 0 से 4 राइट वाला ये कर रहा है 0 से 4, तो 0 से 4 इन दोनों के बीच, ये दो पॉइंट्स के बीच, तो यहाँ मैंने प्लॉट कर दिया. और एक लेफ्ट वाला पॉइंट कहाँ पे है? माइनस सेवन से माइनस थ्री, मतलब यहाँ कहीं नेगेटिव वाले में, तो यहाँ माइनस सेवन और माइनस थ्री मान लो, यहाँ कहीं ये मूवमेंट हो रहा है 5, और इस प्लॉट का नाम है एच टी माइनस टाउ. ये किस केस के लिए? माइनस वन से थ्री वाले केस के लिए, केस टू. सर आप जीरो से फोर तक के बीच में कहीं भी उसको कर सकते हैं ना? हाँ, जीरो से फोर तक कहीं भी कर सकते हैं. तो इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम टी प्लस वन. इस पॉइंट का नाम टी माइनस सिक्स. ठीक है, नाउ अगेन यू आर अप्लाइंग कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फॉर्मूला माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट.
x tau h of t minus tau d tau. इस केस के लिए, अब देखो इस केस के लिए कॉमन रीजन कहां से कहां आ रहा है, कॉमन जीरो से t प्लस वन के बीच में, उसको मैं सेटिंग कर देता हूं, है ना, ये है कॉमन. तो इंटीग्रल की लिमिट अब क्या चेंज हो जाएगी, जीरो से लेके t प्लस वन. उस समय x tau कितना है, उस समय x tau कितना है, x tau की वैल्यू कितनी है, 3. और h t माइनस tau की वैल्यू कितनी है, 5 d tau. तो आंसर कितना होगा यहां से, जल्दी बताओ, फिफ्टीन टी प्लस वन. अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन कुछ लोगों को हुआ होगा, क्या कि सर 3 और 5 का कॉमन रीजन तो सिर्फ 3 तक है, तो पूरा क्यों सेट किया है, क्या किसी का डाउट है? यस सर. हाँ, ये ध्यान रखो कि मैं जो ओवरलैपिंग की बात कर रहा हूँ, मैं टाइम के अलोंग बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओवरलैपिंग किसकी बोल रहे हैं हम, टाइम की ओवरलैपिंग, मतलब टाइम के किस इंस्टेंट पे दोनों सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं, टाइम जीरो से लेके टी प्लस वन तक दोनों सिग्नल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट है टी माइनस टाउ वाला, और ये दोनों प्रेजेंट है. तो दोनों प्रेजेंट है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये इंटीग्रल का फॉर्मूला जो है इसका मतलब क्या है, विथ इन दैट लिमिट दोनों सिग्नल प्रेजेंट हैं और दोनों के एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन निकालना है. एम्पलीट्यूड में हम ओवरलैपिंग कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्लियर है. इस टाइम इंटरवल में इतने ड्यूरेशन के लिए दोनों सिग्नल प्रेजेंट हैं, एक सिग्नल का एम्पलीट्यूड 3 है तो 3 लिख दिया, दूसरे का एम्पलीट्यूड 5 है तो 5 लिख दिया, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आंसर होगा. वर्टिकल एम्पलीट्यूड जो मतलब वर्टिकल एक्सिस जो है वो एम्पलीट्यूड का है, तो एम्पलीट्यूड में ओवरलैपिंग चेक नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान रखना. विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर चेकिंग कि सिग्नल दोनों कॉमन किस टाइम के लिए, किस टाइम के लिए, क्लियर है, अभी क्लियर है ये? यस सर. यस सर, क्लियर. अब मुझे क्लियर है तो जल्दी से, टाइम भी कंप्लीट हो चुका है. तीसरा जो रीजन है, कहां से कहां है, टी 3 से 6, यहां पे वाई टी कैलकुलेट करके बताओ जरा जल्दी से, सभी लोग करो और चैट बॉक्स पे टाइप करो आंसर, थर्ड रीजन के लिए क्या होगा. सभी लोग करो चैट बॉक्स में, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए. आया किसी का, क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, एक बार 3 रखनी है वैल्यू, एक बार 6, तो दो पॉइंट मिलेंगे जहां पे वो मूव कर सकता है, तो दोनों पॉइंट जो मूवमेंट उसके बीच में कहीं प्लॉट कर दो, जो भी आपका ग्राफ है, जो आपका एच टी माइनस टाउ वाला प्लॉट है, ये टी माइनस 6 और टी प्लस 1, ये कहां प्लॉट होगा, ये यहां से निकालना है 3 और 6 से, ठीक है, और फाइनली इंटीग्रेट करके आंसर बताओ. इतने देर में एक आंसर आ जाना चाहिए था, डिफिकल्ट नहीं है, किसी का भी नहीं है, सर 60. सर 60. गुड, 60 आंसर आ रहा है. और बताओ कितने लोगों का आया है, सर 60. और बाकी लोगों का, 3-4 लोगों का बताया आंसर, कहां से कहां मूव कर रहा पॉइंट बताओ जरा. अभी 3 to 4, 0 to 4, ये x tau है और दूसरा सिग्नल ht minus tau,
एच टी माइनस टाउ कहाँ से कहाँ मूव कर रहा बता जरा, पॉइंट ऑफ मूवमेंट सर इस साइड वाला माइनस थ्री से जीरो और वो फोर से थ्री से जीरो मतलब लेफ्ट पे होगा कहीं, और वो वाला फोर से सेवन मतलब ऐसे बनेगा। यस सर। और सेटिंग होगी आपकी कितने रीजन में, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से लेके फोर, एक थ्री दूसरा फाइव टी टाउ, आंसर 60। कितने लोगों का आया ये, अगला वाला कैलकुलेट करो जिनका आ गया, जल्दी से अगले दो के आंसर बताओ, सिक्स से टेन और टेन के आगे, जिनको नहीं आया है तो वो लोग भी बताओ मुझे कि नहीं आया है, तो अगले वाले क्लास में हम दूसरा क्वेश्चन जब लेंगे तो फिर वहां मैं डिटेल से बताऊंगा, अदरवाइज तुम लोगों को सॉल्व करने दूंगा। एक क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक दूसरा नेचर वाला लेंगे जहाँ हमारे पास रैम सिग्नल होगा, अभी हमने स्टेप स्टेप किया हुआ है। अगला जरा जल्दी से करके बताओ सभी लोग, और जिनका आंसर 60 आ चुका है वो चैट बॉक्स में बताओ 60 आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा बाकी लोगों का। सर 15 इन ब्रैकेट 10 माइनस टी, अगला जो है 6 से लेके 10, यहाँ पे वाई टी आ रहा है आपका, वाई टी इक्वल टू 15 इंटू 10 माइनस टी, सभी लोगों का चेक करो सेम आ रहा है, और अगला टी ग्रेटर देन 10 पे सर 15 इंटू 10 प्लस टी, 10 प्लस टी नहीं आएगा, 10 माइनस टी सही है, एनवेंसिटी आना चाहिए आई थिंक, बाकी लोग चेक करके बताओ अगले वाले केस के लिए। अब डायरेक्टली प्लॉट करके देखते हैं, जीरो से फोर थ्री, और दूसरा वाला फंक्शन वहाँ पॉइंट मूवमेंट के क्या क्या आ रहे हैं सपना, जीरो से फोर और सेवन से इलेवन, जीरो से फोर मतलब एक यहाँ बन गया और दूसरा आगे कहीं बन गया, ये वाला पॉइंट है टी माइनस सिक्स और ये है टी प्लस वन, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक कॉमन एरिया टी माइनस सिक्स से फोर फोर तक 15 15 डी टाउ, हाँ सही है, फोर माइनस 10 माइनस टी। अगला ग्रेटर देन 10 पे देख ही रहा है वैसे, ये तो ग्रेटर देन 10 पे क्या होगा, जीरो सभी का जीरो। अब अगला काम जो है अगली वाली क्लास में आप लोगों को क्या करके आना है, आपको वाई टी का प्लॉट बनाना है, ग्रेटर देन 10 को इसी पे बना के बता दीजिए ना, ग्रेटर देन 10 पे बेटा देखो जो पॉइंट ऑफ मूवमेंट होंगे यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 से 4 मतलब ये 4 के आगे होगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 11, तो जब आप प्लॉट बनाओगे तो अगला वाला जो प्लॉट बनेगा वो बनेगा यहाँ कहीं ऐसे, ये हो जाएगा t माइनस सिक्स और ये t प्लस वन, तो नो ओवरलैपिंग हेंस जीरो। यस सर। ठीक है, अब इसका वाई टी का प्लॉट अगली बारी क्लास में ये सबको बना के आना है, फिर नया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एंड करते हैं।